पटना में राबड़ी लालू के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगाने वाले आरजेडी एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने हमारे संवाददाता सुजीत कुमार को यह बताया कि उन्होंने ये पोस्टर क्यों लगाया। ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। लगातार लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं आप, कभी सरस्वती जी पर करते पहले आप सभी मीडिया वाले ग्रंथ को पढ़िए और उसमें कहां हमें हिंदू कहा गया है, हमें तो शूद्र कहा गया है। जब हम हिंदू हैं ही नहीं, आपके ग्रंथ में कहीं हमको हिंदू लिखा हुआ है? आपके सभी ग्रंथ में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हम शूद्र हैं, हम हिंदू कहां से आ गए भाई? लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप शादी में मत जाइए, किसी जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें मत जाइए। देखिए, विरोध कर रहे हैं मनुवादी लोग जो भी हैं वो मनुवाद के तरफ ही बढ़ेंगे, जो समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो शिक्षा और विकास का, जो मंदिर जाते हैं कौन है वो लोग? जो भी लोग हैं, जो भी समाजवादी लोग हैं, वो शिक्षा और विकास का बात करेंगे, दवाई का बात करेंगे, कमाई का मतलब की बात करेंगे, पढ़ाई का बात करेंगे। देखो, राम मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उस बीच आप इस तरह का बयान देते हैं, कभी पोस्टर लगाते हैं? अरे भाई, मैं शिक्षा पर बात कर, देखिए मैं बच्चों को कलम और किताब देने का मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए? मेरा कोई विवादित बयान नहीं है, मैं जो भी मतलब कि हमने पोस्टर लगाया है, मैं शिक्षा को महत्व देते हुए लगाया। शिक्षा की बात कीजिए लेकिन इस तरह का पोस्टर लगा। अरे भाई, शिक्षा की देवी वो है ना, वही तो बोली है सावित्री भाई फुले ने कहा। लेकिन आपके नेता भी मंदिर जाते हैं, बालाजी जाते हैं, क्या कहिएगा? अपना अपना विचार है, समझ गए? हम कहीं जाने से मना नहीं किसी करते हैं, हम शिक्षा का ज्योत जगाने चले। तो देखिए